औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सामीन मोहतरम, तमाम आशिकान रसूल, तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिलखसूस पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अहले सुन्नत व जमात बरेलवियत अकायद से वाबस्ता लोग, तमाम को ये खुशखबरी सुनाता हूँ कि अल्लाह ताला ने करम किया और दोबारा से एक मरतबा फिर हम लोगों को इकट्ठा होने का मौका अता फरमाया। और ये किसकी वजह से हो रहा है तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब मदज़िल्लाहु को सलामत रखे। और आपकी क़यादत में ये बहुत बड़ी एक सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है जो आल पाकिस्तान भी होगी, बल्कि इंटरनेशनल लेवल की ये कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम पहले एक और हुआ करता था, अब ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस के नाम से इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनेकाद पजीर हो रही है। तो तमाम मुरीदीन ख़ास तौर पर पीर सवाग रहमतुल्लाह अलैह के उनके वाबस्ता तमाम खुलफा, उनसे मैं तमाम से ये अपील करता हूँ और तमाम को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि तमाम इसमें शामिल हों और अपने कुलूब अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाएँ। और इस सुन्नी कॉन्फ्रेंस को हर सूरत में आप लोगों ने कामयाब करना है। और मैं बारहा दोबारा कह रहा हूँ कि पीर सवाग रहमतुल्लाह के जितने मुरीदीन हैं जो मुझे सुन रहे हैं, वो इस सुन्नी कॉन्फ्रेंस आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस को 20 फरवरी सुबह 8 बजे से असर तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस होगी और तमाम मुरीदीन अकीदतमंद इसमें ज़रूर शामिल होंगे।